फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। मशरक राजापट्टी महमदपुर SH 90 पर मशरक थाना क्षेत्र के चैनपुर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के पास रविवार की देर रात 11 बजे के करीब अज्ञात अनियंत्रित वाहन ने अपाची बाइक सवार दो युवकों को ठोकर मार दी, जिससे एक युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को मौके पर पहुंची थाना पुलिस गश्ती दल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां एक को ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और एक की गंभीर हालत देख प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए छपरा अस्पताल रेफर कर दिया। मृतक की पहचान मशरक थाना क्षेत्र के एकावना गांव के दिनेश सिंह के 30 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार सिंह के रूप में की गई है, जबकि दूसरे घायल की पहचान इसवापुर थाना क्षेत्र के अमरदहा गांव निवासी राघव सिंह के रूप में उनके 26 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार के रूप में हुई है। व्यक्तियों का एक्सीडेंट हो गया जिसमें ये हॉस्पिटल में एक संजीव कुमार सिंह और पिता नीरज कुमार सिंह और पिता दिनेश सिंह ग्राम एकौना पोस्ट कॉलपुरा थाना मसरक सारण की मृत्यु इलाज के दौरान हो गई और एक जो है वो घायल है तो उसका इलाज अभी चल रहा है। वहाँ इसी संदर्भ में वहाँ ढला से थोड़ा सा आगे एकौना गांव के ठीक सामने मेन रोड पर वो जाम किए हुए था सब, हम गए हैं अभी तुरंत सुन करके और उसके बाद उसको हटवाए हैं, हटवा करके पीड़ित के परिवार के घर पर भी गए हैं, वहाँ जा करके जो भी आपदा का जो प्रावधान है 4 लाख रुपये देने का वो उसे हमने कह दिया है कि उनको मिलेगा, उनको दिया जाएगा। सुना है कि रोड जाम लगा हुआ था, कल जो है 1 तारीख को चैनपुर रेलवे ठाला के पास मोटरसाइकिल के टक्कर में 2 व्यक्ति घायल हो गए थे, जिसमें एक व्यक्ति का देहांत हो गया है, उसी के संदर्भ में वो लोग मुआवजा वगैरह के लिए कहाँ के रहने वाले हैं जी? वो लोग एकौना के रहने वाले हैं, एकौना गांव है ये कोहलपुरा पंचायत में, तो वहीं के रहने वाले हैं, तो वहाँ हम गए हैं, जाम हटवा दिए हैं और उन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि हाँ उन लोगों को 4 लाख रुपये जो आपदा से मिलता है वो मुआवजा मिलेगा और घायल को भी कुछ दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार गौतम एज ए चेयरमैन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन टेक्नोलॉजी की ओर से आप तमाम देशवासियों को, आप तमाम दोस्तों एवं बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आगामी 6 मार्च को प्रत्येक न्यूज लाइव डिजिटल चैनल की स्थापना दिवस समारोह जो मनाई जा रही है उसके लिए डिजिटल इंडिया परिवार की ओर से प्रत्येक न्यूज लाइव डिजिटल चैनल सौ परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं।